नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर के थाना माड़ोताल धनश्री कॉलोनी कटंगी बाईपास के पास एक युवक अवैध हथियार लेकर घूम रहा था, जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को घेराबंदी करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। जहां पुलिस ने आरोपी के पास से एक देशी पिस्टल जब्त की है, जहां थाना प्रभारी माड़ोताल विपिन ताम्रकार ने बताया कि रात में विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि धनश्री कॉलोनी कटंगी बाईपास के पास माड़ोताल में एक लड़का काले रंग का पेंट एवं काले रंग की जैकेट पहने खड़ा है, जो अपने पास देसी पिस्टल लिए किसी का इंतजार कर रहा है। सूचना पर मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश दी गई, जहां मुखबिर के बताए हुलिये का एक युवक खड़ा दिखा, जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसने नाम पता पूछने पर अपना नाम सावेंद्र उर्फ सब्बू सिंह राजपूत उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम खैरी चौकी इंद्राना थाना मझौली वर्तमान पता विजन बिजनेस होटल नौदरा ब्रिज के पास थाना ओमती बताया, जो तलाशी लेने पर पहनी हुई पैंट के बाएं तरफ सामने की ओर जेब में एक देशी पिस्टल रखे मिला, जिसे जब्त करते हुए आरोपी के विरुद्ध धारा 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। थाना मढ़ोताल में धनश्री अपार्टमेंट है कठौंदा मोड़ के पास, तो ये टर्निंग पे रात के समय एक सूचना प्राप्त हुई कि एक सावेंद्र सिंह राजपूत हैं, जो मझौली थाना क्षेत्र में रहते हैं, और उनका हुलिया बताया गया कि इस तरह का कपड़ा पहने और ये है, उनके पास एक पिस्टल है उनके पास, और ये किसी को देने के इंतजार में खड़े हैं। लिहाजा मुख्य सूचना पर उपनिरीक्षक नीलेश पोरते, जो संभागी रात्रि गश्त में थे, और इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा कल ही क्राइम मीटिंग में निर्देश दिए गए थे कि अधिक से अधिक इस तरह के आपराधिक तत्वों पर कार्रवाई की जाए। उसी आधार पर प्राप्त सूचना के तहत मौके पर दबिश दी गई और उक्त व्यक्ति को पकड़ा गया। इसके पास से एक देसी पिस्टल जब्त हुई है और इसके विरुद्ध 25-27 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। ये अभी तो मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ये किसी को वो हथियार देने के लिए जा रहा था। नाम क्या, कहाँ का रहने वाला? ये सावेंद्र सिंह राजपूत हैं और ये मझौली थाना क्षेत्र में इनका गांव पड़ता है, वहाँ के रहने वाले हैं। वर्तमान में जबलपुर में निवास करते हैं, कोई होटल है, प्राइवेट होटल है, वहाँ पर ये एज ए अपना वर्कर काम कर रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।